आज मैं जा रहा हूँ भुवनेश्वर। आज बहुत सारे काम है, जैसे कि मेरे को आर्ट मटेरियल्स कुछ लाना है, कि कुछ एंटी फंगस के कैनवास और बहुत सारे कलर्स लाना है। और उसके अलावा मैं एक आर्टिस्ट के पास जा रहा हूँ जहाँ पर कुछ पोटेरी सेरामिक के बारे में जानना है। तो बहुत टाइम वेट करने के बाद एक ट्रेन आया, तो उसी में चलते हैं। अभी शाम हो चुका है और आज मैं रहने वाला हूँ मेरे दोस्त के रूम में। तो कल मैं जाऊँगा एक पेंटिंग करने के लिए, लाइव पेंटिंग करने के लिए। तो मेरे पास अभी वाटर कलर ब्रश और वाटर कलर पेंट्स नहीं है, तो इसलिए मेरे को थोड़ी बहुत खरीदना पड़ेगा। तो अभी मैं आया हूँ एक बड़ी सी आर्ट शॉप में, मेनली एक एंटी फंगस के कैनवास लेना है मेरे को और बहुत सारी एक्रिलिक पेंट्स लेना है, ये स्केच बुक भी लेनी है। तो यहाँ पर मैंने एक एंटी फंगस के कैनवास लिया है। आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि यहाँ पर रॉय फाइन आर्ट भी लिखा है, कैमलिन की भी लिखा है। तो मैंने पहले से ही प्लानिंग करके आया था, मेरे को एक लाइव पेंटिंग करना है। तो इस सीजन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, इससे हम टेबल की तरह यूज कर सकते हैं, जैसे कि टॉप व्यू कर सकते हैं, उससे 360 डिग्री मूव कर सकते हैं, तो एक अच्छी बात है। और हैंडमेड पेपर मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ और क्लिप लगा लिया। तो देखो आप उनकी पेंटिंग नहीं कर पाओगे, क्या जोरदार, मतलब इतने बारीक बोलते ना आप। बना गए हो? नहीं, बना का जितना देखोगे उस सिर्फ उसके गया के उसके ब्रिटिश लोगों ने तोड़ दिए थे। सब बहुत थोड़ा यार, ये भी ले लेना ट्रेवलर। तभी मेरे ड्राइंग कंप्लीट हो चुका है, तो चलिए अभी उससे कलर अप्लाई करते हैं। पहले मैं बैकग्राउंड से स्टार्ट करता हूँ ज़्यादातर पेंटिंग। ज़्यादातर मैं वाटर कलर में ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करता हूँ, और मेरे को स्प्रेड ये सारे चीज़ पसंद आता है वाटर कलर में। कलर्स बह जाना, एक ड्रॉप ड्रॉप करके नीचे गिर जाना, वो एक्सपेरिमेंटली जो एक पेंटिंग होता है ना, वो चीज़ मुझे बहुत पसंद है वाटर कलर में। नहीं तो जब डिटेलिंग काम कर लिए मैं एक्रिलिक और ऑयल पेंट यूज़ करता हूँ। वाटर कलर में एक सच में मज़ेदार चीज़ यही होता है कि जब उससे हम एक्सपेरिमेंटली बहुत सारे कलर के साथ खेलते हैं ना, एक सच में बहुत ही मज़ा आता है। चलो एक फोटो ले लूँ प्लीज़। जी जी। तो लगभग मुझे ये पेंटिंग कंप्लीट करने में
तीन से 3.5 घंटे लग गए थे। थोड़ा धूप हो रहा था और थोड़ा इरिटेशन भी आ रहा था। बैकग्राउंड में आप नॉइज सुन सकते हो, पास में एक रोड गया है तो बस की साउंड, ऑटो की साउंड बहुत क्राउड था उस एरिया, तो थोड़ा दिक्कत आ रही थी। वो भी एक बढ़िया एक्सपीरियंस है। और एक्चुअली ये वीडियो मैंने बनाया था शॉर्ट की पर्पज़ में, तो इसलिए मैं उसकी जो लैंडस्केप व्यू में वीडियो नहीं बनाया है, भट्टी गली थोड़ा बना लिया है। और अभी मैं जा रहा हूँ वहाँ पर, मेन जो मकसद मेरा था कि एक पोटेरी आर्टिस्ट के साथ मिलना है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे काम हो के रखा गया है। यहाँ पर एक भगवान बुद्ध की एक स्कल्पचर है, ये होल प्रोसेस में किया गया है। जैसे देखो कृष्णा की है, यहाँ पर मटका रखा गया है बहुत छोटी बड़ी, यहाँ पर टेराकोटा वर्क्स है। तो चलिए अभी उनसे थोड़ा रिक्वेस्ट करते हैं, वो करके दिखाएंगे। उनकी ये रोजी रोटी है ये पोटेरी बनाना, तो इसलिए वो ज़्यादातर पूरी फैमिली उसके ऊपर काम करते हैं। रात में सब काम करते हैं क्योंकि ये घर के अंदर स्टूडियो बनाया गया है, और वो दिन के टाइम में फार्मिंग में ज़्यादातर टाइम इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो मेन आर्टिस्ट ये हैं, उनकी एज लगभग 70+ होगा। एक्चुअली उन्हें सीखा नहीं है किसी कॉलेज से या स्कूल से, उनकी ये जेनरेशन वाइज काम करते हैं। तो अभी वो कर रहे हैं, उसके बाद उनके बेटे भी कर रहे हैं। उनकी ये जेनरेशन वाइज वर्क है। सुना होगा रघुराजपुर नाम की एक विलेज है, हम वहाँ पर भी कभी जाएंगे। वहाँ पर पेंटिंग मतलब जो पटचित्र पेंटिंग जितने भी है उन फैमिली में, वो सारे उसी के ऊपर डिपेंड करते हैं, उसी काम को ही करते हैं। किंतु अभी अभी थोड़ा पेंटिंग की सेल कम होने की वजह से वहाँ पर वो प्रोफेशन चेंज कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर आपने देखा होगा वहाँ पर सब लोग इसी काम के ऊपर डिपेंड करते थे। मशीन से तो हमने सुना है कि पोटेरी करने के बाद वहाँ पर बर्न करते हैं जो मशीन के जरिए, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कैसे वो ट्रेडिशनली मटके को बर्न करते हैं। उड़िया में इससे भाटी कहा जाता है। ये 7 या 8 दिन तक इसको आग लगाया जाता है। इसके अंदर अभी फील किया गया है मटका या जितने भी पोटेरी वाक्स हैं वो सारे इसके अंदर अभी उन लोगों ने डाल दिया है। और इसके अंदर आप देखोगे बहुत सारे छोटे छोटे होल्स किए गए हैं। इसकी मकसद कुछ ऐसा है, वो बोल रहे थे कि जब 7 या 8 दिन तक ये जलता रहेगा उसके अंदर से जब धुआं निकलेगी वो उसी के वजह से ये भट्टी फट सकती है, तो इसलिए उसकी जो एयर्स निकलने के लिए इस चीज़ को बनाया गया है। तो इसी भट्टी को बनाया गया है मिट्टी से। भट्टी में आग लगाने से पहले वो पूजा करते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो झोटी भी इसके ऊपर किया गया है। और आग लगाने के लिए ये ज़्यादातर यूज करते हैं लकड़ियाँ, तो यहाँ पर कोई केमिकल्स यूज नहीं किया जा रहा है। ज़्यादातर आपने देखा होगा जब मशीन में बर्न करते हैं उनमें यूज किया जाता है केमिकल्स, जो एक इनविजिबल केमिकल होता है, जो पहले कलर उसकी कुछ अलग होती है या कभी कभी कलर भी नहीं होता है। जब उससे बर्न किया जाता है उसके बाद एक सुंदर सी कलर निकल के आते हैं, लेकिन यहाँ पर पहले उसे बर्न किया जाता है, उसके ऊपर वो बाद में उसे अप्लाई करते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। तो ये हैं उनके बेटे जो अभी हमें दिखाएंगे कैसे वो बनाते हैं। तो अभी जो ये बना रहे हैं इससे को हम इसी प्रकार की एक खरीदने वाले हैं। तो देखिए कितने सुंदर शेक बना लिए बहुत ही कम समय में। उनको इसी को बनाने के लिए लगभग 4 से 5 मिनट तक लगा था। उसकी जो नेक है उसने बहुत ही थिन रखा है, नैरो रखा है।
पहले से प्रिपेयर करके रखा गया है मिट्टी, इसमें कोई स्टोन नहीं है, उससे थोड़ा वो छान के रखे हैं। बहुत दिन तक ये मिट्टी को रखने के लिए वो कवर करके पानी थोड़ा स्प्रे करके रखते हैं, तो उसके बाद उसे कवर कर दिए, ये बहुत दिन तक रह जाएगा। यहाँ पर देखिए बहुत सारे टेराकोटा वर्क रखा गया है, ये अभी बर्न नहीं किया गया है। मैं भी एक कोशिश कर रहा था कैसे बनाते हैं, लेकिन पहले बार मैंने फेल हो गया। तो अभी उनके स्टूडियो से उनके घर के ओर जा रहे हैं, तो वहाँ से कुछ खरीदना है मेरे को। एक्चुअली अभी कुछ दिन के बाद दिवाली आ रही है, तो इसलिए उनके पास थोड़ा कम वर्क है। अभी वो फोकस कर रहे हैं जो दीप वगैरह है वो सारी चीज़ के ऊपर। सेल्फ उनके बहुत सारे है, वो बोल रहे थे बहुत सारे बेच दिए हैं। देखिए बहुत ही सुंदर सा है, इसके अंदर जो फोक आर्ट कुछ बनाए गए हैं। तो अभी शाम हो चुका है, अभी मैं आया हूँ एक मार्केट में, जहाँ पर वो लोग बेचते हैं अपनी चीज़ों को, जो अपनी आर्ट वर्क को, क्राफ्ट को। तो उसी चीज़ को मैं अभी आपके साथ दिखाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पर देखिए ये जो अभी मैं ये चीज़ जो दिखा रहा हूँ, ये रघुराजपुर से आए हैं, जो अभी मैं बोल रहा था रघुराजपुर के बारे में। तो ये सारी चीज़ उसी गांव से आई है, ये सब जनरेशन वाइज इस चीज़ को कर रहे हैं। देखिए एक पटचित्र है जिसमें श्री रामचंद्र जी और सीता मैया की पेंटिंग किया गया है। यहाँ पर केटल, जो बकेट, ये सारी चीज़ को पेंटिंग किया गया है पटचित्र के रूप में। जगन्नाथ जी की बहुत सारे रूप है। तो यहाँ पर मैंने देखा उड़ीसा के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से बहुत सारे क्राफ्ट जो करते हैं ज़्यादातर, उनकी एक मेला चल रही थी, इसलिए वो बहुत सारी चीज़ बना रहे थे लाइव, तो उनकी भी मैंने एक वीडियो बना लिया है। ये एक पिपली की वार्क है, ये बहुत ही फेमस है, आपने देखा होगा घर के अंदर लगाते हैं, हैंगिंग करते हैं। तो ये है चीज़ जो कि मैंने कुछ चीज़ उनके साथ मिल के सीखा है, पोटरी कैसे बनाते हैं। एक्चुअली मैंने देखा है जब डिग्री के टाइम में मशीन में कैसे बनाते हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा था वो ट्रेडिशनल कैसे बनाते हैं, विदाउट करंट, विदाउट कलर या केमिकल्स कैसे बनाते हैं वो सारी चीज़ को, उस चीज़ को देखना था मेरे को। तो इसलिए मैं यहाँ पर आया था घूमने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बाय।